प्रदेश के महाराजगंज जिले में दोगुनी उम्र का दूल्हा और उसका काला रंग देखकर दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया। जहां काला दूल्हा देखकर दुल्हन शादी से पहले ही भड़क गई, जिसके बाद बारात को वापस लौटना पड़ा। इस दौरान दुल्हन का मान मनोबल भी काम नहीं आया, जिसके बाद दुल्हन को ऐसी चिढ़ मच गई कि वे दूल्हे को देखते ही स्टेज से उतरकर अपने घर की ओर चली गई। आखिरकार बारात वापस लौटी, जबकि दूल्हे को पुलिस चौकी ले गई। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों से बातचीत कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह मामला महराजगंज जिले में पनियारा थाना इलाके के एक गांव का है। जब बारात दुल्हन के घर पहुंची, तब तक सारे हालात ठीक थे, मगर जब बारात स्टेज पर मंडप के नजदीक पहुंची, तभी दूल्हे का काला रंग देखकर दुल्हन भड़क गई, जिसके बाद उसने दूल्हे से शादी करने से साफ इनकार कर दिया। इस पर दुल्हन ने हंगामा खड़ा कर दिया। हालांकि दूल्हे पक्ष सहित दुल्हन के परिजन शादी कराने के लिए पूरी रात दबाव बनाते रहे, लेकिन दुल्हन वापस नहीं आई। घटना गुरुवार की है, जहां गांव में धूमधाम से बारात आई थी। इस दौरान बारातियों का जमकर स्वागत का दौर चला। वहीं इस आवभगत के बीच जयमाला का कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसमें पहले मंडप में दूल्हा बैठा और फिर बाद में दुल्हन लाई गई। मगर जैसे ही दुल्हन ने दूल्हे को देखा, दूल्हे को देखकर दुल्हन हैरान रह गई। इस पर दुल्हन ने हंगामा खड़ा कर दिया, जिसके बाद बिदक कर मंडप से उठकर घर चली गई। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।